हाय एवरीवन, होप यू डूइंग वेल। सो सबको मैरी क्रिसमस। लास्ट वीक हमने अपने चैनल पे पावर ऑफ स्टॉक्स की इनसाइड कैंडल वाली स्ट्रेटजी डाली थी। जिसने अब तक वो वीडियो नहीं देखा है, आप इस वीडियो के बाद वो वीडियो को चेकआउट कर सकते हो। तो दिस वीडियो इज ऑल्सो अ पार्ट ऑफ अवर फेमस यूट्यूबर्स फ्री स्ट्रेटजी सीरीज, जो आप सबको बहुत पसंद आती है। एंड द यूट्यूबर्स जिसका आज हम स्ट्रेटजी रिव्यू करने वाले हैं इज नितेश सर फ्रॉम एनके स्टॉक टॉक्स, हु हैज ओवर 109K सब्सक्राइबर्स, और आप उनका चैनल स्क्रीन पे देख सकते हो। हमारा भी जल्दी 2K होने वाला है। जिसने भी अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है, भाई प्लीज कर दो यार। हमने ऑलरेडी इनका एक स्ट्रेटजी अपने चैनल पे रिव्यू किया हुआ है, जिसका नाम है हिलेगा मिलेगा करके। आपको एक वीडियो सजेस्ट हो रहा होगा और लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। अगर आपने अब तक वो वीडियो नहीं देखा है तो आई हाईली सजेस्ट कि वो वीडियो जरूर देखिए। और ये वाली स्ट्रेटजी जो हम रिव्यू करने वाले हैं, ये बहुत लोगों ने रिक्वेस्ट किया। सो टुडे वी आर गोइंग टू बैक टेस्ट अनदर फेमस स्ट्रेटजी कॉल त्रिवेणी संगम, प्रोवाइडेड बाय नितेश सर फ्रॉम स्टॉक टॉक्स। लेट्स सी हाउ गुड दिस वन इज। वी आर चेकिंग दिस वीडियो वेयर ही हैज एक्सप्लेन त्रिवेणी संगम स्ट्रेटजी। इसमें बेसिकली मल्टी इंडिकेटर सेटअप है, जिसमें उन्होंने 9 मूविंग एवरेज यूज किया है, 20 मूविंग एवरेज या फिर बोलिंजर बैंड यूज किया है, वीवैप यूज किया है। इन सबका कॉम्बिनेशन से इंडिकेटर सेटअप बनाया है। और कन्फर्मेशन के लिए भी हम इलेगा मिलेगा वाला स्ट्रेटजी यूज करते हैं। इतने सारे इंडिकेटर होने के बाद भी जो प्रॉब्लम मोस्ट यूट्यूब वाले स्ट्रेटजीज में होते हैं, वो इसमें है कि स्ट्रेटजी स्टिल सब्जेक्टिव है थोड़ा। इसलिए हम बैक टेस्ट करने के लिए इसमें एक मॉडिफिकेशन यूज करने वाले हैं, जहां पर हम अपना मूविंग एवरेज बैंड यूज करेंगे। आप वीडियो आगे देखोगे तो आपको पता चल जाएगा ये मूविंग एवरेज बैंड क्या है। अगर आपको ये जानना है तो आपको एक वीडियो सजेस्ट हो रहा रहेगा, 50 मूविंग एवरेज प्लस बीबी वाली स्ट्रेटजी है, हमारे चैनल पे अपलोडेड है, आप वो देख सकते हो, जहां मैंने इसके बारे में समझाया है। बट स्टिल शॉर्ट में बोल देता हूँ, मूविंग एवरेज बैंड में बेसिकली क्या होता है, ये आपके सामने एक बैंड बनाता है 3 मूविंग एवरेज, जो हाई लो और क्लोज प्राइस को कंसीडर करके 3 मूविंग एवरेज बैंड बना देता है, जिससे बहुत सारे स्ट्रेटजीज को हम सब्जेक्टिव से ऑब्जेक्टिव कर पाते हैं। डिस्क्रिप्शन में लिंक होगा इंडिकेटर का, जाके आप ट्रेडिंग व्यू में या फेवरेट्स में ऐड कर सकते हो और आपके ट्रेडिंग व्यू में प्लॉट भी कर सकते हो। तो इंट्रो के बाद हम स्ट्रेटजी पे चलते हैं, जहां हम त्रिवेणी संगम को टोटल 100 टाइम्स टेस्ट करेंगे निफ्टी 50 के इन 4 स्टॉक्स में। और एज ऑलवेज इन्हें अपने वेटेज के हिसाब से ही सिलेक्ट किया गया है, ताकि ये निफ्टी 50 को रिप्रेजेंट कर सके और हमें आइडिया आए कि इंडियन मार्केट में स्ट्रेटजी कैसे काम करता है। सो हाय एवरीवन, दिस इज प्रणीत फ्रॉम ट्रेडर इनसाइड, लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सबसे पहले हम ट्रेडिंग व्यू पे त्रिवेणी संगम का सेटअप ऐड करते हैं। उसके लिए सबसे पहले हम टाइम फ्रेम को 5 मिनट्स करेंगे, फिर हम मूविंग एवरेज ऐड करेंगे। पीरियड को 9 रखेंगे और सोर्स को हाई कर देंगे। ओके, इसके बाद वो बॉलिंजर बैंड यूज़ करते हैं, क्योंकि बॉलिंजर बैंड में एक बेसिस लाइन होता है, सादा कुछ नहीं, सेम 20 मूविंग एवरेज ही होता है वो, तो वो उसके लिए वो बॉलिंजर बैंड यूज़ करते हैं। ओके, मैं आपको साइड में एक दिखा देता हूँ, ये देखिए, ये बॉलिंजर बैंड का 20 वाला लाइन है, ये नॉर्मल 20 मूविंग एवरेज वाला लाइन है, दोनों सेम ही होता है। तो हम बॉलिंजर बैंड के बदले 20 मूविंग एवरेज यूज़ करेंगे। ओके, तो पीरियड को हम 20 कर देंगे, फिर वीवैप भी ऐड करते हैं। स्ट्रेटजी शॉर्ट में बोलूँ तो जब ये 3 लाइन साथ में आएंगे, तब अगर प्राइस इसके ऊपर है तो हमें बाय करना है, और प्राइस अगर इसके नीचे है तो हमें सेल करना है। और बाय और सेल के कन्फर्मेशन के लिए हम लोग को मिलेगा यूज़ करना है। आपको प्रॉब्लम दिख रहा है इसमें? बेसिकली जब ये 3 लाइन साथ में होंगे, उसको क्वांटिफाई आप कैसे करोगे? कोई कोई बोलेगा ये पास है, कोई कोई बोलेगा ये पास है, तो कोई स्पेसिफिक डेफिनेशन नहीं है इसका पास का। इसलिए हम यहाँ 20 मूविंग एवरेज निकाल के हम हमारा मूविंग एवरेज बैंड यूज़ करेंगे, जहाँ पीरियड को 20 कर देंगे। सो अब हम ये बोल सकते हैं, अगर 9 मूविंग एवरेज का हाई और वीवैप ये बैंड के अंदर है तो संगम हुआ है, ओनली देन वी विल बाय अबाउ दीज 3 लाइन्स एंड सेल बिलो दीज 3 लाइन्स। अब कन्फर्मेशन के लिए हम हिलेगा मिलेगा भी ऐड करना है चार्ट पे। बट आप देख सकते हो हम और एक ऐड नहीं कर सकते, क्योंकि 4 इंडिकेटर हम लोग ने ऑलरेडी यूज़ कर लिया है। ट्रेडिंग व्यू में फ्री अकाउंट में से ज़्यादा ऐड नहीं कर सकते, इसलिए मैंने आपके लिए 9 मूविंग एवरेज हाई और वीवैप का इंडिकेटर कोड किया है। डिस्क्रिप्शन में लिंक रहेगा ये वाला, आप यहाँ पर फेवरेट्स में ऐड करके चार्ट में डाल सकते हो। सो ये दोनों 9 मूविंग एवरेज, तो ये 9 मूविंग एवरेज और वीवैप निकाल के हम सीधा 9 मूविंग एवरेज प्लस वीवैप वाला इंडिकेटर ऐड कर देंगे।
चलिए अभी अपने को चार्ट में हिलेगा मिलेगा ऐड करना है, इसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन में रहेगा। ओके, ये रहा हमारा सेटअप। चलिए रूल्स फॉर बाय एंट्री डिफाइन करते हैं। फर्स्ट रूल ये रहेगा कि 9 मूविंग एवरेज का हाई और VWAP ये 20 मूविंग एवरेज के बैंड के अंदर होना चाहिए। सो अभी कंफर्मेशन हम लोग को हिलेगा मिलेगा से लेना है। अभी बेसिकली हिलेगा मिलेगा के मल्टीपल सेटअप्स ये जोन्स में करते हैं। अगर ये जोन रेड हुआ तो हम बाय करेंगे और ब्लू हुआ तो हम सेल करेंगे। सो रूल सेकेंड रूल फॉर बाय इज ये जोन रेड होना चाहिए हिलेगा मिलेगा में। नाउ फॉर द थर्ड रूल, कैंडल शुड क्लोज अबव ऑल थ्री, दैट इज VWAP, 9 मूविंग एवरेज हाई एंड 20 मूविंग एवरेज। ऑल्सो द कैंडल शुड बी अ ग्रीन कैंडल। 20 मूविंग एवरेज जहाँ पर मैंने बोला ना, इसका मतलब ये जरूरी नहीं कि 20 मूविंग एवरेज के बैंड के ऊपर होना चाहिए, ये सिर्फ बीच वाला जो लाइन है 20 मूविंग एवरेज का इसके ऊपर होना चाहिए बस। तो हम एंट्री एट द क्लोज ऑफ द कैंडल लेंगे, स्टॉप लॉस प्रीवियस स्विंग लो एंड टारगेट इसमें भी उन्होंने नहीं बताया है, इसलिए हिलेगा मिलेगा जैसा हम इसमें भी 1.5 टाइम्स रिस्क रखेंगे टारगेट। ये रहा हमारा बाय सेटअप। सिमिलरली रूल्स फॉर सेल सेटअप। फर्स्ट रूल 9 मूविंग एवरेज का हाई और VWAP ये 20 मूविंग एवरेज के बैंड के अंदर होना चाहिए। सेकेंड रूल इलेगा मिलेगा में जो जोन है वो ब्लू होना चाहिए। ओके, थर्ड रूल कैंडल शुड क्लोज बिलो ऑल थ्री, दैट इज VWAP, 9 मूविंग एवरेज एंड 20 मूविंग एवरेज का सेंटर लाइन एंड द कैंडल शुड बी अ रेड कैंडल। इसमें भी एंट्री एट द क्लोज ऑफ द कैंडल होगा, स्टॉप लॉस प्रीवियस स्विंग हाई और टारगेट इसमें भी 1.5 टाइम्स द रिस्क रखेंगे। ये रहा हमारा सेल सेटअप। सो द स्ट्रैटेजी इज क्लियर आई थिंक। आप उनका वीडियो भी जरूर देखिए, आपको स्ट्रैटेजी के बारे में और डिटेल में पता चल जाएगा। सो इस स्ट्रैटेजी को हम 100 टाइम्स टेस्ट करते हैं और इसका असली विन रेट चेक करते हैं। आई लेट यू नो द फुल रिजल्ट आफ्टर द टेस्ट। आप कंप्लीट टेस्ट को यूट्यूब में प्लेबैक स्पीड स्लो करके भी देख सकते हो। सो लेट्स स्टार्ट द फास्ट फॉरवर्डिंग। सो द टेस्ट आर ओवर। जैसे आप देख सकते हो टोटल नंबर ऑफ ट्रेड वॉज 100, उसमें से 54 वॉज विन, 46 वॉज लॉस।
सो द विन रेट इज 54%, टोटल गेन इन एन अकाउंट वॉज 41.6% और मैक्स ड्रॉडाउन इज -3.94%. कंटिन्यूस विन इन रो वॉज 5, कंटिन्यूस लूज इन रो वॉज 4 एंड टोटल ड्यूरेशन ऑफ द टेस्ट वॉज 1.348 मंथ्स. वेल, स्ट्रेटजी इज क्वाइट इम्प्रेसिव. 41.6% gain in 1.348 months with drawdown just 3.94%. That is good. As per the above result, the strategy is quite impressive. The results are even better than Hile Cup to Milega, jahan gain sirf 28.52% tha, and that too in 1.183 months. Kudos to Nitesh sir for sharing this strategy for free. I'll add this strategy in a Google Sheet, link in the description, and this take the 5th position in the list. You can check the list and review or rewatch any specific strategy you like. So guys, if you like the video, please support us by subscribing to the channel and hitting the bell notification, and do like the video and share the video. Please comment में आपके feedback दीजिए और कौन सी strategy आप चाहते हैं कि हम backtest करें अपने future videos में, ये भी हमें ज़रूर बताइए. आप हमारे channel के playlist देख सकते हैं और दूसरी strategy के videos भी देख सकते हैं. All the social media links will be in the description. Please follow us and show your support. More awesome contents are on the way. So see you next time.